नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन कर दिया है और अब मिथिला और कोसी के बीच की दूरी जो 300 किलोमीटर की बन चुकी थी, अब वो 22 किलोमीटर में बदल चुकी है। इस पर भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने अपनी टिप्पणी की है, साथ ही प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए यूपीए पर कटाक्ष किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोसी पर 46 वर्षों से लंबित महारेल पुल का उद्घाटन करके बिहार को जो सौगात दिया है उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। एक 1.9 किलोमीटर के रेल पुल पर लगभग 540 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और मुख्य बात यह है कि यह पुल कोरोना काल में और प्रवासी मजदूरों की सहायता से तैयार किया गया है। लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। इस पुल को तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में ही स्वीकृत कर दिया था, लेकिन उस समय जो यहां पर सरकार थी उसने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया। उस समय तो यहां के सरकार की चिंता थी चरवाहा विद्यालय, यहां के सरकार की चिंता थी दलित बस्तियों में फायर ब्रिगेड को ले जाकर और पाइप से वहां के बच्चों को नहलाकर अपना मनोरंजन करना और दलितों का अपमान करना और जहां तहां उड़न खटोला उतार कर और रास्ता पूछना और गांव वालों को बताना कि उड़न खटोला कैसा होता है दिखाना। विकास तो प्राथमिकता थी नहीं। आज नीतीश कुमार जी ने विकास को प्राथमिकता दिया तो ये काम हुआ। अभी आप सुन रहे थे भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा को, जिन्होंने सीधे सीधे यूपीए पर हमला बोला कि यह योजना जो कि 2003 में जिसका शिलान्यास हो चुका था उसे आज फिर से बनाने के लिए एनडीए की सरकार की जरूरत पड़ी। यूपीए सरकार में इस परियोजना को गर्त में डाल दिया गया था, इस पर धूल मिट्टी जमा दी गई, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को फिर से एक बड़ी सौगात दी है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।